हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं रिवेजर सॉन्ग की एक बीटा यूएसबी माइक्रो यूएसबी केबल का। ये मैंने मार्केट से परचेज़ की थी, ये आप देख सकते हैं 2.4 के पास चार्जिंग केबल। अब ये एक डुप्लीकेट है, जो मुझे सच बताऊँ तो पहले मुझे पता नहीं था परचेज़ करने का टाइम, तो मुझे यूज़ के बाद इसका सब वारंटी, मुझे 12 मंथ की वारंटी इस पर मिली थी और मैं इसे 6 बार चेंज करा चुका हूँ। तो मैं ये वीडियो इसलिए इस पर्पज़ से बना रहा हूँ कि अगर आप इसी कंपनी की या किसी अदर कंपनी, MI हो गई, Realme हो गई, जो भी कंपनी है, जो बूट हो गई, ठीक है, जो भी कंपनी आप यूज़ करते हैं, तो आप उसे एक अच्छी कंपनी की अगर लीड लेनी है तो आप ऑनलाइन लीजिए या तो उनके जो स्टोर्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जाके आप परचेज़ कीजिए। कईयों पर ऑनलाइन भी ही ज़्यादा वो नहीं होता, तो आप MI के मी होम पे जा सकते हैं। अब तक मैं मी की ही हेडफोन्स और जो वो लेके यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी एकदम बेकार पड़ी है। मैंने MI की मी होम से जाके एक USB परचेज़ कर चुका हूँ। अब आप यहाँ आप देख ही सकते हैं क्वालिटी, ये एकदम डुप्लीकेट है, ये बॉक्स ओरिजिनल है पर जो लीड है वो डुप्लीकेट है। सबसे पहली बात, इस पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कंपनी का नाम, जो ये चीज़ होती है। सेकेंड, अभी एक आपको मैं डेमो दिखाता हूँ, ये है MI की ओरिजिनल USB केबल। एक मिनट, फोकस नहीं हो रहा, ओरिजिनल USB केबल है। तो दोनों के अंदर अंतर क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखने में एकदम दोनों सेम टू सेम है, जब मैं MI की USB केबल लगाता हूँ तो आप देख ही सकते हैं मोबाइल में बिल्कुल एकदम फिट हो गई है। लेकिन अगर मैं डुप्लीकेट लगाता हूँ तो ये देखिए, अगर आपको फोकस, ये देखिए थोड़ा सा अंतर है दोनों के बीच में, यही अंतर है। और यही एक अंतर आपको बता देगा कि क्या कहते हैं, ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। और ये कभी भी अगर आपकी डुप्लीकेट होगी तो ये आपकी मोबाइल में लूज़ नहीं लगेगी, एकदम फिट लगेगी, एकदम टाइट, और मतलब एक एक टाइप से जो ग्रिप होती है वो एकदम सही होगी। ये चीज़ आप जब मार्केट अगर लेने जा रहे हैं तो आप मार्केट चेक कर सकते हैं। ये थी रिवॉल्ट की डुप्लीकेट लीड जो मैंने मार्केट से परचेज़ की थी। आजकल अमेज़ोन पे भी मार्केट वाले जो लोग हैं वो सेल कर रहे हैं, तो अमेज़ोन के ऊपर पहली बात, अगर आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे ले रहे हैं, सबसे पहले रिव्यू देखिए कि रिव्यू कैसा है। रिव्यू सही है तो आप परचेज़ कीजिए, अगर रिव्यू बेकार है तो आप परचेज़ उसे मत कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा अगर आपके घर के पास मी होम या जो भी आप कंपनी के थ्रू ले रहे हैं उसकी मेन स्टोर है, तो आप स्टोर से जाकर परचेज़ कीजिए, वहाँ पर आपको 100% ओरिजिनल मिलेगी। आप वहाँ पर मैप पर चेक कर सकते हैं कि ये मी होम कहाँ पर है और Realme स्टोर्स कहाँ पे है, या आप जो भी आपको कोई भी कंपनी की ले रहे हैं तो वो स्टोर आप मैप के थ्रू काम चेक कर सकते हैं, आपको मैप पे ओरिजिनल स्टोर से मिल जाएंगे। तो ये मेरा रिव्यू था, थैंक यू।